everyone. डार्लिंग कैसे आप? आपकी आपकी सुबह कैसी है? बहुत अच्छी होगी, क्योंकि जो लोग जल्दी उठ जाते हैं तो उनका पूरा दिन बहुत लंबा लगता है और बहुत कुछ कर सकते हैं आप, क्योंकि आपके पास टाइम ही इतना रहता है। तो चलो दिन की शुरुआत करते हैं योग से, और योग की शुरुआत करते हैं प्रेयर से, प्रार्थना से। तो प्लीज क्लोज योर हैंड्स, बोथ द एल्बो स्ट्रेट, बोथ द शोल्डर्स एट द बैक, नेक रिलैक्स, क्लोज योर आईज, नॉर्मल ब्रीदिंग। योगेन चित्तस्य पदेन वाचा, मलं शरीरस्य च वैद्यकेन, योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां, पाताञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। आबाहुपुरुषाकारं शङ्खचक्रसिधारिणं, सहस्रशिरसं श्वेतं प्रणमामि पतञ्जलिं। हरिओम। मैंने मेरी एक क्लास में कहा था कि जो लोग पैर छूते हैं ना, वो रिवाज, वो संस्कार अभी कम देखने को मिलता है, क्योंकि हमारे जो टीनेजर्स हैं, हमारे बच्चे हैं, वो कहते हैं क्या मम्मी उसे पैर छूना, मुझे नहीं अच्छा लगता। तब मैं उनका कोई फॉल्ट नहीं देखती, मैं फॉल्ट देखती हूँ जो हमारे वडील है, जो फैमिली मेंबर्स में जो बुजुर्ग है उनको बोलना चाहिए, या फिर हम ही हैं बुजुर्ग हमारे फैमिली मेंबर में, हमारे कोई बुजुर्ग नहीं रहे, तो हमारी फर्ज है हमारे बच्चों को सिखाना कि पैर छूना इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड टू गेट आशीर्वाद ब्लेसिंग्स वो तो सबसे अच्छा है ना। तो जो लोग भी नहीं करते हैं, बुजुर्ग के पैर नहीं छूते हैं, तो प्लीज आप अपने बच्चों को सिखाइए कि ब्लेसिंग से ही जीवन अच्छा जाएगा। आप जो भी नसीब लेके आए हैं, पर आपको इस दुनिया में, ये जन्म में, अगर बहुत सारे लोगों के ब्लेसिंग्स मिलते हैं, बहुत सारे लोगों का काम करते हैं, निस्वार्थ कार्य करते हैं, और ब्लेसिंग्स मिलेंगे, और ब्लेसिंग से ही आपका जीवन अच्छा जाएगा। तो चलो अब शुरू करते हैं। जैसे मैंने बताया था कि हम आसन करेंगे, प्राणायाम करेंगे, प्राणायाम भी करेंगे, तो मैंने फिर सोचा कि आज तो थर्सडे है, तो थर्सडे को तो हम म्यूजिक के साथ करते हैं योग, है ना। तो पहले पहले तो हम वार्मिंग अप कर देंगे, थोड़ा टर्निंग ट्विस्टिंग वगैरह कर देंगे, तो अब दिखाई दे रहा है ना। ओके, सो व्हाट यू हैव टू डू इज, इफ यू आर स्टैंडिंग नियर द वॉल देन इट इज बेस्ट, बट इफ यू आर नॉट स्टैंडिंग नियर द वॉल, यू आर इन द मिडिल ऑफ द रूम, देन आल्सो व्हाट यू हैव टू डू इज, बोथ द लेग्स अपार्ट। आप जैसे देख रहे हैं मेरे दोनों पैर दूर है, और कैसे दूर है, ऐसे मैंने नहीं रखे, कैन यू सी द फिट, ऐसे नहीं रखे मैंने, मैंने ऐसे रखे हैं। ओके, सो व्हाट यू हैव टू डू इज, यू हैव टू टर्न, पूरा टर्न लेना है, और जब आप टर्न करोगे तो पैरों से ऐसे नहीं करना है, पैर तो यहाँ पर है तो है वहां पर, बिल्कुल हिलने नहीं चाहिए। ओके, और अगर आप दोनों कर रहे हैं, हस्बैंड वाइफ कर रहे हैं, बेटी के साथ कर रहे हैं, या फिर आप योग अपने बेटी के साथ कर रहे हैं, अपने बुजुर्ग के साथ योग कर रहे हैं, तो दोनों लोग ऐसे खड़े रहेंगे फेसिंग अदर साइड, और फिर दोनों ऐसे हाथ लगाएंगे एक दूसरे को, एंड दिस यू हैव टू डू इट फॉर 20 टाइम्स। स्टार्ट। आप देख रहे हो ना इतना ट्विस्टिंग में कर रहे हो, बस इतना ट्विस्टिंग आपको करना है 20 टाइम्स, इस तरफ 20 टाइम्स, इस तरफ 20 टाइम्स, 10 10 टाइम्स नहीं करना है। ओके, 20 20 टाइम्स आपको ट्विस्ट होना है। अभी आप हाथ कहाँ रख रहे थे, ये जो शोल्डर है ना, शोल्डर के लेवल में हाथ रख रहे थे, राइट। अब अगर ये आपका 20 20 टाइम्स हो गया हो, तो अब हाथ कहाँ रखना है, तो हाथ थोड़े ऊपर रखने हैं, हमारा जो सिर है वहां पर रखना है, एंड देन यू हैव टू डू द ट्विस्टिंग। ये जो हम ट्विस्टिंग कर रहे हैं, अगेन दिस यू हैव टू डू इट फॉर 20 20 टाइम्स।
ये यहाँ हाथ रख के जो हम प्रोसीड कर रहे हैं उसका स्ट्रेचिंग कुछ अलग आ रहा है। ट्राई टू फील दैट, वो महसूस कीजिए, वो ऑब्जर्व कीजिए कि पहले कहाँ ट्विस्टिंग की असर हो रही थी और अब कहाँ हो रही है। तो अगेन यू हैव टू कंप्लीट 20 10 20 टाइम्स, सो टोटल इट विल बी 40 40 40 टाइम्स। तो ये भी आपका 20 20 टाइम्स हो गया। अब आपको क्या करना है, अब आपको हाथ ऊपर रखना है और ऊपर रख के ऐसे करना है। कैन यू सी दैट? अगेन दिस इज फॉर 20 20 टाइम्स, 20 20 बार ये ट्विस्टिंग करना है आपको। पूरी जो अपर बॉडी है, लोअर बैक से ऊपर की जो पूरी भी स्पाइन है उसका ट्विस्टिंग हो गया। कर रहे हो ना आप ट्विस्टिंग? चिटिंग मत करना, चिटिंग करोगे तो आपको ही बेनिफिट नहीं मिलेगा। अब हम म्यूजिक के साथ योग करेंगे, ठीक है? तो इसके लिए हम म्यूजिक चालू करेंगे। सुनाई दे रहा है ना आपको? अगर ना सुनाई दे रहा तो मैं थोड़ा नजदीक रख दूं। सुनाई दे रहा है? ओके, म्यूजिक जाने दो, क्योंकि हम एक स्लॉट होता है म्यूजिक का, वो म्यूजिक का स्लॉट पूरा हमें करना है। स्टैंड राइट, बोले छोड़े जाते बैक। ऐसे किक लगानी है, आप देख रहे हो मैं किक लगा रही हूँ, मैं ऐसे पैर ऊपर नहीं कर रही हूँ। किक, वेरी गुड। अब ट्विस्टिंग है, अगेन आई एम डूइंग ट्विस्टिंग, वेरी गुड। किक इट अप, करना है करना है करना है आपको। गुड गुड गुड। स्टैंड ऑन योर टोज, देखो आप टोस के ऊपर चलना है, यानी सीधे टोस के ऊपर, दोनों हाथ ऊपर रखने हैं, दोनों हाथ ऊपर करके आपको चलना है टोस के ऊपर। योर हील्स विल बी अप और दोनों हाथ सीधे रहेंगे, बिल्कुल सीधे रहेंगे। अच्छा स्ट्रेचिंग है और म्यूजिक के साथ मजा भी आती है ना। चलो and now walk on your knees, ऐसे। can you see my feet? ऐसे चलना है। good 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 good, keep it up। बहुत अच्छा मूड बन जाएगा आपका, आपका दिन बहुत अच्छा जाएगा। अब सीधे खड़े रहना है, ये हाथ ऐसे, ये वाला पैर है ऐसे, ये वाला शोल्डर पीछे रहेगा। यू डोंट हैव टू पुट दैट इन द फ्रंट। टच करना है आपका जो एल्बो है, एल्बो को नी टच करेगा, मेरा नी ऊपर जाता है। साइड में है ये जो पैर है, उसको साइड में ले जाके फिर ऊपर करना है। यस, नाउ दिस साइड यू कैन पुट योर अदर हैंड ऑन योर वेस्ट।
Can you see that? Try to lift your knee. All cow knee to cow. Very good. Good, good, good. Keep it up, keep it up. Put the shoulders at the back. Go to your right. एक ही बाजू जाना है. बहुत अच्छी तरह से साइड बेंडिंग करना है. Very good. Keep it up. Keep doing. घुटनों को नहीं बैंड करेंगे. Very good. Only one side. Very good. बीच में ये थोड़ा मैंने जो ब्रेक रखा है ना म्यूजिक का, तब आपकी सांसें नॉर्मल हो जाए. And then again you have to start on the other side. Put the shoulders at the back. पहले धीरे धीरे जाइए नीचे. Very good. और जाइए. जाना ही पड़ेगा आपको. घर में बैठे बैठे बोर हो जाएंगे. घर में बैठे बैठे अगर ये टर्निंग, ट्विस्टिंग, स्टैंडिंग, फॉरवर्ड बैंडिंग, बैकवर्ड बैंडिंग नहीं किया आपने, तो आपका मूड अच्छा ही नहीं रहेगा. आपकी फिजिकल एक्टिविटी जो है वो आपका मूड बनाए रखेगी. तो अभी इतनी अच्छी है सुबह और आप लोग योग क्लास में आ गए हैं, तो प्लीज आप कर लीजिए. हो गया. ओके. लॉक योर फिंगर्स, पुट द एल्बोज इन वन लाइन. अगेन राइट एंड लेफ्ट. गिर मत जाना, गिरना मत, आपकी खुली रहेगी. Very good, very good. Go to your right and left. Yes, 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 yes. Good, 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 good. And थोड़ी सांस से आराम से लीजिए. Again, both the legs apart. आएगा आएगा म्यूजिक, इतनी जल्दी नहीं खत्म होगा. Yes. हाथ पूरा ऊपर जाएगा. You have to throw your head. और जब हाथ ऊपर ले जाते हो तब आपके कान को टच करने चाहिए ये हल्के वाला हाथ, ऐसे फिर ऐसे. यस 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 यस. प्लीज रेज योर हैंड वन आफ्टर अनदर. ओके नाउ हैंड्स फ्री. रिदम के साथ हाथ की मूवमेंट, हाथ की मूवमेंट विद द रिदम. यहां पर आपको दुखना चाहिए बिल्कुल. आपके एक एक मसल, एक एक सेल को मुझे जगाना है ना? ओके. अब दोनों पैर दूर रखेंगे और दूर. एंड नाउ आप देख रहे हैं बहुत नीचे जा रहे हो, बहुत पीछे हाथ मेरे टच होते हैं. प्लीज आप इतना फॉरवर्ड बेंडिंग कीजिए.
गुड 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 गुड। And now, stand on your knees. Cross me. Can you see that? Backward bending karke. Twisting hai. चाहिए। इस
इतना ही ऊपर करना है, इससे ज्यादा नहीं करना है. वेरी गुड. यहाँ ये वाला जो पार्ट है वो भी स्ट्रेच हो रहा है. वेरी गुड, वेरी गुड. And now, ऐसे पैर पकड़ना है ऊपर. ऐसे पकड़ना है, सीधा रहेगा.
ओके बैठ गए। अगर चलो वज्रासन में नहीं बैठ सकते तो आप पलाठी लगा के बैठ लो सुखासन में, है ना, पर दोनों शोल्डर साइड से पीछे रहे। ओके नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू गो टू योर राइट। तो ये वाला जो हाथ है, ये वाला जो एल्बो है, वो आपको नीचे टच करनी है। वन टू थ्री 10 टाइम्स। ऐसे दूर नहीं जाना है आपको, यहीं पर नीचे टच करनी है। ये वाला शोल्डर पीछे रहेगा। वेरी नाइस, यू कैन डू इट। कितना अच्छा है ये बैंडिंग, बहुत अच्छा है, कर लो आप 10 टाइम। तो करना है, कहाँ ज्यादा करना है, हो जाएगा आपसे। चलो अदर साइड। हाँ ये वाला जो एल्बो है वो नीचे टच करेगा, सो यू हैव टू डू अ लिटिल मोर बेंडिंग। वन टू थ्री, है ना, फोर, वेरी गुड, फाइव, हो जाएगा 10 टाइम्स। यू हैव टू बेंड टू योर लेफ्ट साइड, हो जाएगा। आज तो हम त्राटक भी करने वाले हैं। आपने मैसेज पढ़ा था ना, मैंने रात को मैसेज आपको डाला था कि आज हम त्राटक करेंगे, तो उसके लिए जो भी दिया तैयार करना है या कैंडल तैयार करनी है वो सब आप कर लीजिए। हो गया 10 टाइम्स बोथ द साइड्स। ओके सो नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज ऐसे बैठेंगे। कैन यू सी दैट? मैं ऐसे नहीं बैठी हूँ, ऐसे बैठी हूँ। ओके नाउ यू हैव योर बोथ द नीज आर अपार्ट। ऐसे घुटने मैंने साथ में नहीं रखे, दूर रखे हैं, दोनों पैर भी दूर है। तो ये वाला जो नमस्कार मुद्रा है वो नमस्कार मुद्रा सी कैसे जाएगी। वन टू थ्री फोर, पैरों से आगे हाथ निकलने चाहिए 10 टाइम्स, 10 टाइम्स, पैरों से भी आगे हाथ निकलने चाहिए। हुआ आपका 10 टाइम्स। ओके अब आपको क्या करना है, पश्चिम नमस्कार करना है, तो आपको पीछे हाथ ले जाने हैं और नमस्कार मुद्रा करनी है। दोनों एल्बोज पीछे रहेंगे, दोनों शोल्डर्स पीछे रहेंगे। देखो मैं बता दूं मैं कैसे किया है नमस्कार मुद्रा। दोनों हथेली के बीच में ऐसे जगह नहीं रहनी चाहिए, दोनों हथेली को मिलाना है। एंड हियर यू हैव टू स्टे फॉर 1 मिनट। हाथ में थोड़ी दुखान पेन हो गया, थोड़ा पेन तो होगा क्योंकि बहुत अच्छी तरह से ट्विस्ट होता है ना, तो थोड़ा होगा, बट इट इज गुड फॉर यू। अगर जो भी अच्छा है तो वो तो हमें कर ही लेना है ना। अभी रुकना है, इनहेल एंड एक्सेल। वेरी गुड, इनहेल एंड एक्सेल 27 सेकंड लेफ्ट। इनहेल एंड एक्सेल, वेरी नाइस। लेफ्ट, कितना अच्छा योग हो जाता है ना, रिलैक्स। अब जब हाथ आगे लाएंगे ना तो माय गॉड इतना पेन होगा। अगर ये पूरी 1 मिनट जो आपने पीछे रखे हैं नमस्कार मुद्रा में, तो जब हाथ आगे आएंगे ना तो इतना यहाँ पेन होगा, बट यू सी आफ्टर 5 मिनट्स आपको पता ही नहीं चलेगा क्योंकि पहले पेन होता था। ये जो मसल्स है पूरे हमारे, जो अपर बैक है, सर्वाइकल है, थोरासिक रीजन है, उन सबको मसाज मिलता है ना। और उस टाइम जो दोनों शोल्डर्स पीछे थे और आप लंबी सांस ले रहे थे, तो इवन दैट इज मोर, अच्छा है, वेरी वेरी गुड कि सांसें आप ज्यादा भर सकते हैं। अगर ऐसे बैठ के सांसें लेंगे तो ज्यादा नहीं ले पाएंगे, पर दोनों शोल्डर्स, बोथ द शोल्डर्स आर बैक एंड यू आर इनहेलिंग, बहुत अच्छी तरह से सांसें भर पाएंगे आपको। दैट इज वेरी गुड। ऐसा कहा जाता है ना,
कि जो भी सांस हम लेते हैं अगर वो सांस नेवर तक नाभि तक जाती है तो बहुत अच्छा है। अब यहाँ तक कैसे जाएगी? आराम से जब सांस लेंगे तब जाएगी। और दूसरी बात, यहाँ तक कब सांस जाएगी? आपने सांस बहुत अच्छी तरह से निकाली है, वो कार्बन डाइऑक्साइड पूरा बाहर निकल गया है, तब जाके अंदर आप भर पाएंगे, है ना। कोई भी बर्तन में आपको कुछ रखना है तो पहले वो खाली तो करना पड़ेगा, बस ऐसा ही है। और एक बात यहाँ पर कि कोई भी बर्तन हो पर वो थोड़ा सा गंदा हो और उसमें थोड़ा पानी है, थोड़ा पानी है ज्यादा नहीं, तो अगर उससे ज्यादा पानी, वो साफ पानी, स्वच्छ पानी डालेंगे तो आप सोचेंगे कि इतना सारा पानी में डाल रही हूँ तो ये थोड़ा गंदा तो निकल जाएगा, उसमें कोई नहीं होगा, राइट। बट दैट इज नॉट ट्रू। आपका जो स्वच्छ पानी है वो भी गंदा हो जाएगा, तो आपको क्या करना चाहिए? ये जो गंदा वाला पानी है वो निकालना है, वो जो बर्तन है वो अच्छी तरह से साफ करने हैं, और वो साफ करेंगे फिर आप स्वच्छ पानी उसमें डालेंगे तो वो स्वच्छ पानी आप यूज कर सकेंगे, ठीक है। बस पूरा ऐसा ही लॉजिक हमारे शरीर के साथ है। हमारे शरीर में जो टॉक्सिन्स है, हमारा शरीर में जो शुद्धि नहीं होती है, तो हमें क्या करना है? ऐसे योग करना है, टॉनिक क्लींसिंग वगैरह करना है, तो दो यूरिनेशन भी अच्छा होगा और आपका स्टूल भी अच्छी तरह से पास होगा और आपकी शुद्धि हो जाएगी और मन भी साफ हो जाएगा। ये जो प्राणायाम करते हैं, जो आसन करते हैं ना, उसमें मन की शुद्धि होती है। जो लोग, मुझे बहुत सारे मैसेज आते हैं कि मुझे नींद नहीं आ रही, मुझे बहुत नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, मैं क्या करूं, ऐसा मुझे मैसेज आ रहे हैं, तो उनको मैं कहती हूँ पहले तो आप ऐसा नहीं कहती हूँ कि अरे ऐसा क्यों आ रहा है, आपको तो अच्छा ही सोचना है। अरे उनको भी अच्छा तो सोचना है पर आप सोच ही नहीं पाते, है ना। तो उसके लिए आपको योग करने चाहिए हर रोज, एवरी डे यू विल हैव टू प्रैक्टिस योग। ये आसन प्राणायाम करेंगे तब जाके शरीर और मन की शुद्धि होगी, और वो शुद्धि होगी तो कुछ क्रिएटिविटी आपके अंदर आएगी, कुछ नए विचार आपके अंदर आएंगे। तो फिजिकल एक्टिविटी तो चाहिए, तो अब जब आप जिम में जाओगे या फिर दौड़ने चले जाओगे तो उसमें आपके शरीर की शुद्धि तो डेफिनेटली होगी, पर अगर योग करोगे तो योग इज वर्किंग ऑन योर बॉडी एंड माइंड, ऑफ कोर्स वर्किंग ऑन योर सोल। अभी हम लोग चौधरी मेडिटेशन की हमने एक सीरीज शुरू करने जा रहे हैं एसजीवीपी, तो उससे क्या होगा कि बहुत अलग अलग तरीके के मेडिटेशन है और मेडिटेशन के तो कितने सारे बेनिफिट्स हैं, तो वो सब आपको मिलेंगे आप उनके मेरे साथ। ये जो एसजीवीपी ने जो सीरीज शुरू करने जा रहे हैं अभी प्रोसेस में है, तो वो आप कर सकते हैं और वो आपको यूट्यूब में मिलेंगे। हम लोग अनाउंस करेंगे कि कब से ये सीरीज शुरू हो रही है, तो आप वो भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। पर कब हो सकता है ये मेडिटेशन? जब आपका मन अंदर से शुद्ध और स्वच्छ हो, साफ हो, है ना। इसके ऊपर मुझे एक स्टोरी याद आई, पर उसके साथ हम आसन भी करेंगे और ऐसे बैठे हैं। Can you see this? My right leg is straight. अब ये कहाँ straight है? ये मेरा shoulder है ना, उसके बराबर है ये। ये पैर मैंने आगे नहीं रखा है। Not like this. You will have to put it at the back. ऐसे बैठना है। ऐसे क्यों बैठना है? क्योंकि ये shoulder तो बराबर है, पर ये वाला ऐसे नहीं होना है, करना है। यहाँ नहीं होना चाहिए। तो ये वाला पीछे रहना चाहिए। Both the shoulders will be in one line, and then you have to go to your राइट। अगर यहाँ नहीं जा सकते हो तो आप ऐसे जल्द से जल्द करो, ऐसे 10 बार करोगे तो 11 बार आप ऐसे पकड़ पाओगे। ये वाला शोल्डर तो पीछे रहेगा। कैन यू सी दैट? यू हैव टू प्रैक्टिस दिस एंड यू हैव टू बी हियर फॉर 1 मिनट। और ये मैं कहूँ, आपने शायद व्हाट्सएप पर भी ये स्टोरी आई थी, एक आदमी जा रहा था अपनी कार में और वो गाड़ी चला रहा था, उसको कहीं पहुंचना था, जल्दी थी वो, थोड़ा एंजाइटी थी उसको, घर में कब पहुंचूंगा, जल्दी करना है मुझे, और वैसे जा रहा था तो एक ब्रिज आया
और ब्रिज के ऊपर से जैसे जा रहा था और वहीं पर पंक्चर पड़ गया उसकी गाड़ी का। तो पंक्चर पड़ गया तो उसने गाड़ी बाजू में ले ली और सोचा गाड़ी यार अब मुझे यहाँ तो कोई दिखाई नहीं दे रहा, मुझे ही करना पड़ेगा ये सब। तो फिर उसने गाड़ी में से निकला और उसका जो भी सामान था सब इक्विपमेंट थे वो निकाले और बिल निकाला और फिर वो बदलने जा रहा था और मन में बहुत डिस्टर्ब था कि क्या यार मुझे ये सब करना पड़ा, इतनी धूप है यार कुछ हो नहीं रहा, मुझे देर हो रही है, ऐसा मन में वो सोच रहा था। तो 5 seconds left, so be there in your आसन। मैं ये इसलिए कह रही हूँ कि आप आसन अच्छी तरह से कर भी रहे हो, रिलैक्स, टाइम पास हो जाएगा और आपका आसन भी हो जाएगा, इसलिए मैं आपको ये स्टोरी भी कह रही हूँ। और स्टोरी कहने का एक मकसद भी है वो मैं आपको बाद में कहूंगी। तो ये वाला दूसरा वाला पैर यहाँ पर रखा है मैंने, बोथ द शोल्डर्स विल बी इन वन लाइन और आपको ऐसे पहुंचना है और फिर पकड़ लेना है। ओके एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। अच्छा तो वो बिल बदल रहा था, बस अचानक मिस्टेक हो गई और वो जो बोल्ट थे जो लगाने के बोल्ट थे वो गिर गए। कहाँ गिर गए? पुल के नीचे, ब्रिज के नीचे, नदी में गिर गए। अरे वो तो सिर पे हाथ रख के बैठ गया, यार क्या हो गया मेरे साथ, एक तो मुझे देर हो रही है, नहीं ये हो गया। उसमें से वहां पे एक आदमी, गांव का आदमी, सीधा साधा आदमी, वो खेडू तो सीधा साधा कितना अच्छा होता है ना, वो वहां से जा रहा था। उसे देखा कि ये आदमी परेशान लग रहा है, सर पे हाथ रख के बैठा है, तो मैं पूछू। उसने पूछा तो नहीं, फिर वो आदमी ने भी देखा कि ये हेतल देसाई है, गांव का आदमी है, पर उसको क्या पता ये कैसे मुझे हेल्प करेगा, चाहे तो मुझे नहीं पूछना है। वो तो डिस्टर्ब था, फ्रस्ट्रेटेड था। फिर वो आदमी जो खेडू था ना, खेडू जैसा आदमी था, उसने, गांव का आदमी था, उसने पूछा कि भैया आपको कुछ परेशानी है, मैं कुछ हेल्प करूं? रिलैक्स, देखो आपका आसन भी हो गया और बातें भी सुन लिया आपने। ओके अब आसन में बैठ जाके तो पूछा कि भैया मैं आपको हेल्प करूं? उसने कहा कि भैया क्या आप हेल्प करोगे, मुझे ये बिल बदलना है और मेरे बोर्ड नीचे गिर गए, अब क्या करोगे मुझे हेल्प? उसने कहा कि हाँ ये बात तो सही है, पर मैं आपको ये बता सकता हूँ कि यहाँ पर 10 किलोमीटर चलोगे ना वहां पर मैकेनिक है, तो आप जाओ मैकेनिक को लेकर आओ। उसे कहा पागल हो, इतनी धूप में मैं 3 किलोमीटर जाऊं, 3 किलोमीटर वापस आऊं, अरे ऐसा भी कोई हो सकता है कभी? तो उसने सोचा अच्छा भाई ऐसा भी नहीं करना है आपको, तो आप ऐसा क्यों नहीं करते कि बाकी जो जो तीनों है ना व्हील उसमें से एक-एक बोल्ट निकाल दीजिए और यहां लगा दीजिए, तो ये 3 किलोमीटर तो गाड़ी जा ही सकेगी, बस ये 3 बोल्ट के साथ आराम से धीरे धीरे जाना, आपका काम हो जाएगा। अरे वो आदमी तो खुश हो गया कि क्या आइडिया दिया है यार, कितना अच्छा आइडिया है, वेरी नाइस। वो तो खुश हो गया, बिल से बोल्ट निकाले और उसने दिया और गाड़ी गई। यहाँ पर ये स्टोरी तो खत्म हो जाती है और हमारी स्टोरी अब शुरू होती है। हम लोग इज इक्वल टू दिस पर्सन जो फ्रस्ट्रेटेड है, जिसको बहुत काम करना है, हर बार वो कहीं पहुंचने की दौड़-धाम में है। एंड दैट सिंपल, वो गांव वाला पर्सन माने क्या, वो सिंपल सी अच्छी सी जिंदगी जी रहा है। अब उसको ये आइडिया आया और हमें क्यों नहीं आया, जो शहर वाले लोग हैं उनको क्यों नहीं आया, जो हर बार दौड़ते हैं, मीटिंग्स करते हैं, यहाँ जाना है, वहां पहुंचना है, ये करना है, वो करना है, ये मुझे लेना है, ये भी लेना है, सब मुझे करना है, मुझे चाहिए, मेरे लिए चाहिए, मेरे फैमिली के लिए, मेरा 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 मेरा। तो हमारी सोच सीमित हो जाती है, हमें कुछ नया, कुछ क्रिएटिव याद नहीं आता, हमारे इंट्यूशन जो है वो बंद हो जाते हैं। और वो गांव का सीधा साधा आदमी को क्यों नहीं आया आइडिया? क्योंकि उसके मन में, हमारे अंदर जो आवरण है, लोभ है, मोह है, कुछ पाने की वो चाह है, वो सब उसके अंदर है ही नहीं। और उसका मन इतना साफ है और उसका मन किसी को हेल्प करने के लिए तैयार है, तब जाके उसके इंट्यूशंस पावरफुल थे और उसके अंदर ये विचार आया कि आप ऐसा कर सकते हैं, वरना उसको क्या पड़ी है भाई, करो जो करना है, अच्छी तरह से मेरे साथ बात भी नहीं करते हो, करो जो करना है वो चला जाएगा, है कि नहीं? तो हमें क्या करना है लाइफ में, हमारे अंदर भी
जो पाने की जो चाह है कि ये कर लू वो कर लू इसका ले लू उसका ले लू, नहीं करना है ऐसा कुछ। हमें भी अब ये जो समय हमारा जो हम पसार कर रहे हैं, ये जो समय आया है हमारी जिंदगी में, वो हमें सिखाने आया है कि स्टॉप, रुको, सोचो क्या कर रहे हो आप। जस्ट बी विद नेचर, जितना सिंपल जी सको उतना जी लो बस, तो हमारी जिंदगी भी अच्छी हो जाए। तो यही तो योग है। योग सिखाता है कैसे हमारे जो सेंसेस है उसके ऊपर हमें कंट्रोल लाना है, ये हमारा योग सिखाता है। योग में जो अष्टांग आसन है वो अष्टांग आसन में एक प्रत्याहार करके एक है, प्रत्याहार में कैसे सेंसेस के ऊपर कंट्रोल करना है वो सब हमें सिखाता है। दैट इज योग। योग इज नॉट ओनली आसन एंड प्राणायाम, राइट? चलो, बहुत अच्छी अच्छी बातें कर ली हमने। पूरा दिन इसके ऊपर आप सोचना कि मुझे कहाँ कहाँ सुधरना है, पूरा दिन उसके ऊपर सोचना है ना। ओके, सो नाउ व्हाट यू विल डू इज पुट योर वन लेग डाउन, ऐसा बैठेंगे, बैठे ऐसा। ओके, नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू गो डाउन, वन टू थ्री फोर, 10 times। टेन टाइम्स करना है। इससे क्या होगा, लोअर एब्डोमिनल तो प्रेस हुआ, जितना नीचे जाएंगे तो लोअर एब्डोमिनल एंड लोअर बैक दोनों को मसाज मिलेगा। ये जो घुटना है आपको, ये जो थाइस है, जो एंकल है, वो सबको मसाज मिल रहा है, राइट? नाउ अदर लेग, पुट योर वन लेग फोरहेड ऐसे ऊपर करेंगे, एंड देन अगेन फोल्ड योर हैंड्स, योर एल्बोस, एल्बोस में से हाथ ऐसे बैंड होंगे और नीचे जाना है, एंड बोथ द एल्बोस शुड टच द फ्लोर, दोनों एल्बोस नीचे टच होने ही चाहिए, जोर लगाइए आप और नीचे टच करना है आपको। वेरी गुड। आप मन में अगर आपको है कि नहीं मुझे ये करना ही है तो आप कर पाएंगे, आज नहीं तो कल, पर जरूर कर पाएंगे। वेदर इज अ वे, दैट इज अ वे, है ना? ओके, एंड दिस वाज द लास्ट थिंग ऑफ आसन, एंड नाउ वी आर गोइंग टू डू प्राणायाम, बिकॉज़ उसके बाद हमें त्राटक भी करना है। तो त्राटक के लिए आप साथ में, जैसे मैंने यहाँ लेकर रखा है कैंडल और उसके लेवल रखने के लिए ये ब्रिक्स ली है, आप वो स्टूल ले सकते हैं, डब्बा ले सकते हैं, चेयर ले सकते हैं, जो भी लेना है वो ले लीजिए, और आपको त्राटक करना है। ओके, चलो सीधा बैठेंगे, पहले प्राणायाम करेंगे। नाउ टुडे going to do उज्जयी प्राणायाम। उज्जयी प्राणायाम, तो उज्जयी प्राणायाम कैसे करते हैं, चलो सीधा बैठे हैं। आप कोई भी पोजीशन में, मैंने अर्धासन लगाया है, आप पद्मासन भी लगा सकते हैं, वज्रासन में बैठ सकते हैं, सिंपल बलासन भी आप लगा सकते हैं, बस आपको कंफर्टेबल कि हमारा ध्यान पूरा वहीं सबके ऊपर रहेगा, राइट? सो आई एम सिटिंग लाइक दिस, बोथ द शोल्डर्स एट द बैक, एंड उज्जयी प्राणायाम। सांस और निकालेंगे भी नाक से, मुंह तो हमारा बंद ही रहेगा, पर जो सांस लेंगे वो यहाँ पर घिस के आ जाएगी और घिस के बाहर आएगी, जो उसकी एक टिपिकल आवाज होती है। तो आप ये जो हम उज्जयी प्राणायाम कर रहे हैं ना, दैट वर्क्स ऑन अवर वोकल कॉर्ड एंड थायरॉइड ग्लैंड एंड थाइमस ग्लैंड, राइट? आपको मैं एक बात बताऊं, आप उज्जयी प्राणायाम चालू रखना, मैं बताऊं आपको कि मैं जब इस बस चलती है उसमें जो वो आवाज आती है ना कि नेक्स्ट एम्बार्क स्टेशन एसजीवीपी होलिस्टिक हॉस्पिटल, अगला एम्बार्क स्टेशन एसजीवीपी होलिस्टिक हॉस्पिटल, ये जो आवाज है वो मेरी आवाज है। तो मैं जब रिकॉर्डिंग के लिए स्टूडियो में गई तो बहुत सारे स्टेशन थे, ऑफ कोर्स मुझे पूरा लिस्ट दे दिया था,
और मैं वैसे पढ़ती थी और रिकॉर्डिंग होता था, क्योंकि तीनों लैंग्वेज में बोलना होता है ना, हिंदी इंग्लिश एंड गुजराती, तो बहुत सारे थे। तो बीच में जब मेरी मुझे थोड़ी थकान महसूस होती थी या फिर मेरे गले में कुछ ऐसा मुझे लगता था कि मुझे कुछ आराम चाहिए, मैं थोड़ा पानी पी लेती थी, तब मैं ये उज्जैयिनी प्राणायाम करती थी। कैन यू बिलीव, इन स्टूडियो व्हाइल रिकॉर्डिंग आई टेक अ ब्रेक और मैं उज्जैयिनी प्राणायाम करती थी, और उज्जैयिनी प्राणायाम करने के बाद फिर से मैं रिकॉर्डिंग करती थी, तो मेरी आवाज बहुत अच्छी आती थी। सो इट इज दिस उज्जैयिनी प्राणायाम इज वेरी गुड। दोज़ हू आर इन इन सिंगिंग प्रोफेशन या फिर ऐसे मेरे जैसे वो वॉइस ओवर का काम करते हैं, आवाज की दुनिया में जो भी काम करते हैं, टीचर हैं, तो वो सब उज्जैयिनी प्राणायाम करोगे तो आपके गले में जो कभी कभी पेन होता है, कभी वो स्वेलिंग आ जाती है, थ्रोट इन्फेक्शन होता है, तो वो कम हो जाएगा, डेफिनेटली कम हो जाएगा, ये मेरा अनुभव है। अभी आप एएमडीएस जो बस है, एएमडीएस में भी जो आवाज आप सुन रहे हैं वो भी मेरे आवाज में, वो जो आते हैं ना कि अगला स्टेशन ये है, आप ध्यान से चलो, ध्यान रखो, ये सब मेरी आवाज में रिकॉर्ड किया। अब आप जब भी पीआरटीएस में या एएमडीएस में बैठो तो मेरी आवाज सुनना। ओके, तो मैं ये कहना चाह रही थी कि इससे उज्जैयिनी प्राणायाम से ये सब फायदे मिलते हैं, तो आप जरूर ट्राई करना। और हम करेंगे त्राटक, और त्राटक के लिए ले लेंगे जो भी आपको लेना है, आप भी ले लो, मैं भी ले लेती हूँ। ऐसा पूरा मैंने रख दिया, इसके ऊपर ये भी रखा, और मुझे ये बंद करना पड़ेगा। उसका म्यूजिक लगा दो। आप तैयारी शुरू कर देना, मैं म्यूजिक लगाती हूँ। आप जहां पर भी बैठे हैं कंफर्टेबल पोजीशन होनी चाहिए, और आपके और ये जो दिया हैंडल है उसके बीच में 2 फुट का अंतर होना चाहिए। आप सीधे बैठे हैं, पूरा ध्यान आपका हैंडल की फ्लेम की ओर है। पूरे ध्यान से आप कैंडल की फ्लेम को देख रहे हैं, और अब आपको पूरी फ्लेम दिखाई दे रही है। बड़ी फ्लेम के अंदर एक छोटी सी फ्लेम भी आपको दिखाई देगी, वो ध्यान से देखना है और देखते ही रहना है। जैसे आप ध्यान से देखेंगे तो फ्लेम के आजू बाजू में एक लाइट का सर्कल है, वो सर्कल आपको देखना है। वो जो लाइट का सर्कल है उसमें से एक किरण हमारी ओर आ रही है, हमारे इंट्यूशंस पावरफुल करेगी, हमारा विल पावर स्ट्रॉन्ग हो रहा है। अब हमें सिर्फ और सिर्फ फ्लेम और फ्लेम के आजू बाजू में जो लाइट है बस वही दिख रही है, और कुछ नहीं दिख रहा।
जो कलर है वो कलर भी ध्यान से देखेंगे, बहुत अच्छी तरह से देखते ही रहे। बस देखते ही रहेंगे। आंखों में से पानी बहना वो स्वाभाविक है। मेडिटेशन का ही एक प्रकार है जिससे हमारा कंसंट्रेशन बढ़ता है, हमारी मेमोरी शार्प होती है, हमारा विल पावर स्ट्रांग होता है, ये रोज और रोज ये करना चाहिए प्रातः। कम से कम 7 मिनट तक हर रोज प्रातः करना है। आप जितना ज्यादा कर सकेंगे उतने ही ज्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे आपको। Please try to concentrate on this flame, the color of the flame, shape of the flame, and try to see the circle of the light around the flame. With full concentration, हमें देखते ही रहना है। No movement with deep inhalation and long exhalation. Sit in one place and concentrate on the plane. Very slow, soft, and deep inhalation. Very slow, soft, and long exhalation. और ये जो कलर शेड देख रहे हैं वो आपको अपने दिलो दिमाग में भर लेने हैं, याद रखने हैं। Because now, in few seconds, we are going to close our eyes. And with our eyes closed, we have to visualize the same flame, shape, color, the circle of the light. So please try to observe and remember. And now, please close your eyes. आप अपनी आंखें बंद करेंगे। आंखें बंद करेंगे।
आंखें बंद ही रहेगी और बंद आंखों से हमें यही फ्लेम, यही कलर, वो बड़ी फ्लेम के अंदर जो छोटी वाली फ्लेम है वो भी दिखाई दे रही है। Keep your eyes closed and you have to visualize the same color, same shape. Very nicely, you have to visualize that. This is one type of art of visualization. And the same way, you have to visualize your dreams. Visualize your dreams and one day you will be able to fulfill your dream. With deep inhalation and long exhalation, with keeping your eyes closed, you have to visualize. और आपकी आंखें बंद है और इसी स्थिति में हम तीन बार ओंकार करेंगे, तो ध्यान मुद्रा तीन बार ओंकार और तीनों ओम में हम मकार का जो उच्चारण है वो ज्यादा लंबा बोलने की कोशिश करेंगे। तो उसके लिए गहरी सांस अंदर होता है, तो कल सुबह हम मिलेंगे। टेक केयर, सी यू देयर, बाय।